हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं लाइट्स ऑन ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलईडी और शार्पी इस पे कैसे चला सकते हैं और पैच कर सकते हैं। इस पे एलईडी और शार्पी दोनों इकट्ठा चला सकते हैं। तो दोस्तों, इस पे आप इस पे सेटअप पे जाके आपको जितनी आपने शार्पी लगा रखी है और जितनी आपने एलईडी लगा रखी है उसका नंबरिंग 001 करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एलईडी पावर मेरी 7 चैनल की है। तो इस पे आप फाइल जो भी आपने डाल रखी है वो डाल सकते हैं। मैंने 001 सारी एलईडी में कर रखा है। अगर आपने 35 एलईडी लगा रखी है, 40 एलईडी लगा रखी है, तो उस पे आप नॉर्मली आप 001 करके प्रोग्राम चला सकते हो। अगर आपने शार्पी लगा रखी है कोई 10, कोई 20 या फिर 15, या फिर जितनी लगा रखी होगी कम से कम 4 3, जितनी भी लगा रखी होगी 4 8 जो भी लगा रखी होगी वो आप इसमें पैच कर सकते हो। तो फर्स्टली आपको जाना पड़ेगा फिक्स्चर पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं लाइट्स ऑन ट्रिक्स। सब्सक्राइब करें लाइट्स ऑन ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाएं मोर अपडेट्स पाने के लिए। करना है फिक्स्चर पे जाना है आपको। उसके बाद अपन को इसका जो ग्रैंड मास्टर है आप देख रहे हैं, इसको आप भूलिएगा मत, इसको उठा लीजिए। और उसके बाद अपन को पहले एक नंबर पे अपनी एलईडी डाली रख रही है, तो एक नंबर पे जैसे कि आप देख सकते हैं डीमा स्ट्रॉब और ग्रीन ब्लू और स्पीड जो भी आप दे सकते हैं, जैसे ग्रीन का स्पीड देना हो, क्लिपिंग टाइप की चलाना हो तो इस पर आप स्पीड दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर अभी मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर पे एलईडी पावर डाल रखी है मैंने, और 2 और 3 नंबर पे मैंने शार्पी डाल रखी है। आज मैंने 2 शार्पी लगाई है और 2 एलईडी लगा रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 एलईडी हो गई और ये 2 शार्पी हो गई और ये 1 और एलईडी हो गई। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं ये शार्पी अभी 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 ऑफ कर देता हूँ और ओनली एलईडी चलाऊंगा। और इस पर अपन कनेक्ट करके वायर के थ्रू आपको कनेक्टिंग करना पड़ेगा। और शार्पी का जो नंबरिंग है वो आप 17 33 कर सकते हैं या 50 और 70 कर सकते हैं। और एक ही नंबरिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे कि एक ही नंबरिंग नहीं होनी चाहिए। और जो आउटपुट लीड गई हो वो शार्पी के थ्रू गई हो। आउटपुट लीड लास्ट में जो मिक्सर से आप लेते हैं उसके थ्रू एक लाइट का लिए आउटपुट का लीड बचता है एंड पे, उस पर आप एलईडी का डाल सकते हैं और एलईडी का आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी अपने फर्स्टली एलईडी उठाऊंगा, और एलईडी उठाने के लिए मैं पहले रेड का इस्तेमाल करूंगा, रेड रेड लाइट उठाऊंगा। और ये मैंने पिन डाल रखे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक आउटपुट गई है और ये एलईडी में जाकर लगी हुई है और एक शार्पी भी डली हुई है। तो दोस्तों, पहले मैं रेड उठाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड, ये रेड का थिएटर है, ये पूरा उठाया मैंने। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं एलईडी लाइट आ चुकी है। और इस पर मैं इफेक्ट डाल देता हूँ ग्रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन लैम्प आज थिएटर उठा और ग्रीन लाइट आ चुकी है। ऐसा आप स्पीड दे सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं आप जैसे कि स्पीड इसकी दे सकते हैं। तो अब फर्स्टली मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, एलईडी ऑफ कर लेता हूँ। अपन पहले शार्पी चालू कर देते हैं। शार्पी चालू करने के लिए पहले आपको इसका नॉर्मली, आप अगर मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं कि अपन कैसे इसका नॉलेज, अगर आपको नहीं है कि अगर थिएटर कैसे उठाना है, इसका लैम्प कैसे उठाना है, फोकस क्या होता है, जो भी जानकारी आपको अगर नहीं मिली है तो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मैंने पहले लैम्प उठाया है, उसके बाद डीमर उठाया मैंने, तो इसका डीमर थोड़ा थोड़ा आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका डीमर उठ रहा है अभी। तो इसका डीमर उठ रहा है अभी, फोकस बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका थिएटर मैंने उठा दिया है पूरा, और उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरे फोकस उठ चुका है और लैंप उठ चुका है पूरा इसका। और मैं इसको अब मूविंग पे डालूँगा, जैसे कि आपने 8 लगा रखी होगी शार्पी या फिर 6 लगा रखी है, तो उस पर अपन को जैसे शार्पी भी चले और एलईडी भी चले, तो अपन को क्या करना है इस पर, इसको ऑटो मूविंग अगर करना है अपन को, या फिर कोई सेप करना है, या फिर कलर करना है, या गोबो करना है, तो अपन कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पर गोबो डाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा सेप में कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पायलट पे आ चुका हूँ मैं, और इस पर सेप जनरेटर करेंगे अपन। इसको मैं कॉर्नर सर्कल दे देता हूँ, सर्कल को देने के लिए आपको इसके बाद थोड़ा सा स्पीड दे देता हूँ इसको।
इतना आपका अगर ट्रेस पे लगी हुई है, ट्रेस पे तो आप कम कर सकते हो। और नॉर्मली मैं चलाता हूँ ट्रेस के ऊपर 30 तक चलाता हूँ मैं। उसके बाद आप वाई को दे दीजिए थोड़ा सा, 20 तक दे दीजिए, 10 तक अप डाउन के लिए, और थोड़ा सा स्पीड 150 कर दीजिए। उसके बाद आपको गोगो बना देना है और इस पर कलर डाल दीजिए। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गोबो डल चुका है और इस पर मूविंग हो रहा है, और इसका नॉर्मली आप थिएटर धीमा कर सकते हैं, ये मूविंग धीमा होने लगा है। और कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, कोई भी कलर डाल सकते हैं। शार्पी का आप इस पर कोई भी फोकस आपको डालना हो। और अब चलते हैं एलईडी पे। अब ये अपन मूविंग कर हो रही शार्पी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर अपन को क्लिपिंग चलाना है तो क्लिपिंग चला सकते हैं। तो ये अपनी शार्पी हो गई। अब मैं एलईडी भी चालू कर देता हूँ। एलईडी चालू करने के लिए आपको वही थिएटर पे जाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी चालू हो चुकी है, और इसको स्पीड दे देता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों एलईडी और शार्पी दोनों चल रही है। और इसका प्रोग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस पर नॉर्मली गया था इस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक नंबर पे गया था। फिर से बताता हूँ, मैं एक नंबर पे गया था। इसका थिएटर जो है एक नंबर उठाया था मैंने, और डीमर इसका ऑन कर दिया था। अब इस पर आप दोनों चला सकते हैं, शार्पी और एलईडी मिक्स करके। अगर आपको शार्पी के पे आना है तो इसका थिएटर इसको दोनों पे क्लिक करना है, उसके बाद शार्पी पे आना है, और उसके बाद इसका मूविंग भी कोई भी चेंज कर सकते हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मूविंग चेंज हो चुकी है, इसकी स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है। और इस तरह आप इसको चला सकते हैं। और एलईडी का अगर कोई इफेक्ट चेंज करना है या फिर बंद करनी है तो आप बंद कर सकते हैं, फिर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रोब चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी लेडी और शार्पी दोनों कनेक्ट करके चलाने की। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आने वाली वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों सपोर्ट करें मेरे को और शेयर जरूर कर दे मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।